आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आ गए आप लोग, ये ले नाश्ता तैयार है और ठंडा हो रहा है। भाजी ना आप ना जल्दी से शुरू कर दे नाश्ता। अरे वैस भाई आप क्या कर रहे हैं, चले नाश्ता शुरू करें, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? बल्कि एक मिनट रुके, मैं खुद डाल के देती हूँ। अच्छा बस बस ये प्लेट मुझे दो। मैंने सुना है जब मियां बीवी एक ही प्लेट में खाते हैं ना तो मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है, तो आज से हम एक ही प्लेट में खाना खाएंगे। ओके जी क्या हुआ भाई? पानी पानी पे, पानी पे बाजी, पानी पे। अब ठीक हो बाजी? अब ठीक तो है ना? निवाला अटक गया था। I'm really sorry। आइंदा से तुम खुद ही खाना खाया करो जैसे तुम कंफर्टेबल फील करो। ओके बस मेरी ही गलती है, मैं ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ। हाँ नहीं, वो मुझे ना सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है। आई जस्ट हैव अ कॉफी। बाजी कॉफी तो मैंने बना के रखी हुई है, अब बस मुझे एक मिनट दे, मैं अभी लेकर आई। ठीक हो ना? कुछ और चाहिए? नहीं नहीं कुछ। ये ले बाजी आपकी कॉफी। थैंक यू। आप तुम नाश्ता नहीं करोगी? अरे बाजी मेरी फिक्र छोड़े आप, मैं ये सब चीजें समेट के ना नाश्ता कर लूंगी। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊं। बल्कि एक काम करें, जो आपको पसंद है ना मैं वही बना लेती हूँ। कुछ भी बना लो मैं सब खा लेती हूँ। सदफ एक मिनट, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज दोपहर को हम शॉपिंग पर जा रहे हैं और खाना भी वहीं खा लेंगे। किचन की ग्रोसरी भी तो करनी है ना। हाँ भाई ठीक है। बाजी आप ना काम करें, आप ना मुझे अपने कपड़े दे दे, मैं इस्त्री कर देती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी आपके कपड़े इस्त्री करके हैंग किए हुए हैं, अगर आपने उसमें से कुछ पहनना है तो पहन ले। ये कपड़े ठीक है, ठीक पहने हुए ना? कैसी बातें कर रही हैं आप बाजी? अब नई नवेली दुल्हन है और नई नवेली दुल्हन ना नए नए कपड़े पहनती है, रोज तैयार होती है। आप ना चले मेरे साथ, मैं आपको तैयार करती हूँ, चले आप उठे। और तो और मुझे ना वैस भाई की ना फेवरेट कलर का भी पता है कि उनको क्या पसंद है, आज ना वो ही कलर पहनेंगी। बस चले उठे, आए आप चले मेरे साथ, उठे 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 जल्दी से चले आ जाए। वैसे आपने मुझे डरा दिया है। डरता तो मैं रहता हूँ तुम्हारी खामोशी से, तुम्हारी बेरुखी से। और एक
धड़का सा लगा रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुश नहीं हो या मेरे पास कॉफी? इंटरेस्टिंग, कॉफी तो अच्छी बनाते हैं। मैं बातें भी बहुत अच्छी करता हूँ और मैं खुद भी बहुत अच्छा हूँ। सच में मेरे बारे में क्या ख्याल है, अभी बताया नहीं तुमने। इंतजार ही करता रहता हूँ कि शायद कभी कहोगी कि मैं अच्छा हूँ। मैं वक्त के साथ साथ राय कायम करने पर बिलीव करती हूँ। अक्सर इंसान पहली नजर में किसी को ठीक तरह जांच नहीं पाता। वेरी थॉटफुल, बहुत डीप बातें करती हो। जाहिर है साइकेट्रिस्ट हो, इस बात का ऐस तो हो गई। डीप बातें भी करती हो, डीप बातें समझती भी हो। असल मसला तो मेरा है कि मुझे ये डीप बातें समझने के लिए अपना दिमाग बहुत लड़ाना पड़े। मैं ज्यादा बातें करने की शौकीन नहीं हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशनल डेस्टिनी पर बेस्ड है। यू नो, मैं भी पहले बहुत रिजर्व था, बहुत ही कम गो था, शाय टाइप। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में कोई आया और फिर मेरी जिंदगी बदल गई। I mean, frankly speaking, मैं खुली किताब की तरह हूं। ज्यादा बातें छुपाने का शौक नहीं है मुझे। तुम तो साइकेट्रिस्ट, समझ ही गई होगी। सबका एक पास्ट होता है, यानी मेरा भी एक पास्ट है। लेकिन तुम्हारा कोई पास्ट है या नहीं है, ये सवाल मैं तुमसे नहीं करूंगा। वो मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी बदली और फिर हमारी जिंदगी में किस्मतों के रुख बदले। But never mind, I'm really happy about it because I've moved on. मैंने अपने बीते हुए पलों की वजह से अपने आज को तबाह बर्बाद नहीं किया। हम यही करते हैं, अपने माजी की वजह से अपना आज, अपना हाल खराब कर लेते हैं। और आज उसका हाल भी खुशहाल है और मेरा भी। देखो जोया, मैं झूठ के ऊपर बुनियाद रख के रिश्तों को कायम करने वालों पे यकीन नहीं रखता, इसीलिए मैंने पूरा अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया, ऑनेस्टली। क्योंकि अगर तुम्हें ये बातें कहीं और से मालूम होती तो पता नहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, है ना? हाँ हाँ, अच्छी बात है। कॉफी ठंडी हो गई है, बात हुई बातों में। आपकी कॉफी ठंडी है, यू मीन? अंदर चलें, मौसम बदल रहा है, शायद मूड भी बदल जाए तो अच्छा हो जाएगा। आप अंदर जाइए, मुझे थोड़ी रीडिंग करनी है। ओके। जोया से इतना ओपनली ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए था, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। लड़कियां तो वैसे भी नाजुक मिजाज होती हैं, जोया पता नहीं क्या क्या सोच लेगी।
माँ जितनी देर तक सो रही थी तो सोचा देखने आ गया तुम्हें। I'm just not feeling well. Really? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अरे तुम्हें तो टेम्परेचर हो रहा है। आज सदर भी घर पर नहीं है, छुट्टी पर है, उसको भी आज ही छुट्टी पर जाना था। मुझे भी ऑफिस जाना है। मैं तुम बीमार हो, मैं तुम्हें छोड़ के ऐसे ऑफिस कैसे जाऊंगा? तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मैं बीमार नहीं हूँ, इट्स जस्ट फ्लू। मैं मेडिसिन खाऊंगी, आई विल बी ऑल राइट। आप ऑफिस जाइए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म चाय बना, चाय नहीं बल्कि सूप, सूप बना के लाता हूँ। तुम्हें पता है मैं जब यहाँ ट्रांसफर हो गया था ना, मैंने चाय और सूप दोनों ही बनाना सीख लिया था। I don't like soup. मैं नहीं पीऊंगी। क्या मतलब है नहीं पीऊंगी? पीना ही पड़ेगा, मैं बना के लेकर आऊंगा, कैसे नहीं पीओगी तुम? सूप बनाते ही इतने जबरदस्त तुम। अभी लाया। ओवेस। और तुम अब नहीं उठोगी यहाँ से, तुम हिलोगी भी नहीं, ओके? सारा दिन तुम यही बेड पर रहोगी, आराम करोगी, और मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा आज। फोन फरीक है, अभी दो मिनट में हो जाएगा। मैं भी आया। ओवेस बात तो सुने। इतना इमोशनल आदमी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कभी कभी तो लगता है मोहब्बत नहीं, पोज करता है। वैसे इतनी भी जिद अच्छी नहीं होती। यही तो मैं कह रहा हूँ, इतने प्यार से बना के लेकर आया, थोड़ा सा भी लूना मेरे कहने पर, प्लीज थोड़ा सा। I just don't like it. मैं नहीं पीऊंगी। लूटो महबूब के हाथ से जहर भी खुशी खुशी पी लिया करते हैं। तुम्हें शायद मेरी मोहब्बत पर एतबार ही नहीं है, या फिर शायद मोहब्बत ही नहीं है। मैं जानता हूं मोहब्बत जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हाँ मोहब्बत ना सही, ख्याल समझ के पी लो। थैंक यू, आई नो तुम्हें अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा और। मुझे ना फ्लू सबसे बुरी बीमारी लगती है। आई फील इरिटेटेड। शुक्र है आपने ये तो माना कि फ्लू भी एक बीमारी है। तुम्हें पता है मैं ना थोड़ा ओवर रिएक्ट करने लग जाता हूँ, ये बात मैं खुद जानता हूँ। हाँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही जैसा मैं अंदर से हूँ वैसे ही बाहर से भी एक्ट करता हूँ। आई नो हमारी शादी बड़ी अचानक से हो गई ना, तुम भी एडजस्ट करने के लिए टाइम ले रही हो। थोड़ी बहुत साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ी है, बट एक बात क्लियर है, तुम मेरा आज हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। इसमें भी मेरा कोई कमाल नहीं है, तुम हुई इतनी प्यारी। जोया, बहुत भूख लग रही है मुझे, प्लीज जल्दी से खाना लगाओ ना। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, मुझे लगा आप ऑफिस से लेते हुए आएंगे, मैं जरा काम में बिजी थी। हो
कोई बात नहीं, आज हम बाहर चलते हैं डिनर करने के लिए। नो प्रॉब्लम, चलो उठो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसा आप ऑर्डर कर लेना खाना, क्योंकि मुझे वाकई में बहुत सारा काम करना है। नया सेशन शुरू होने वाला है, रिसर्च करनी है, सारी हिस्ट्री पढ़नी है। सो कोई बहाना नहीं चलेगा आज, ये रखो जल्दी से। और मैंने कह दिया कि हम डिनर करने जा रहे हैं बाहर, तो हम जा रहे हैं बाहर। काम कर रही हूँ। आई नो, तुम्हें बहुत सारा काम है, तुम बहुत बिजी हो और लोगों को भी तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन तुम्हें इस वक्त डिनर की जरूरत है, वो भी मेरे साथ। देखो तो अपने चेहरे को, बिल्कुल 12 बजे हो। चले मैं चेंज करके। अरे नहीं नहीं, चेंज करके क्यों आती हूँ, तुम तो इतनी खूबसूरत लग रही हो ऑलरेडी। असल चेंज तो इंसान के अंदर होता है, और फिर वही चेंज खुद ब खुद इंसान के फेस पर ग्लो बनकर आ जाता है ना। मेरी जान, मेरा बच्चा, माँ सबके जाए, मेरा वैस। आपको पता है, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। बहुत याद करता हूँ, झूठा ना हो तो। फिर किसी मीटिंग के लिए आया होगा यकीनन। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा याद करता हूँ इसीलिए तो आ गया हूँ। और इस बार आपके लिए ना एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज भी लाया हूँ। कैसा सरप्राइज? एक मिनट, जोया, जोया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, मेरे लिए बहू ले आयो। माँ सदके जाए। तो पप्पू कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? बड़ी मुश्किल से मना कर लाया हूँ। बहुत अच्छा लगा, माँ सदके जाए, कितनी खूबसूरत है चश्मे बदूर। आपने तो कहा था कि पप्पू मिलना चाह रही थी हमसे। अगर मैं डबल गेम ना खेलता तो तुम कैसे मानती? अरे छोड़ो, जैसा भी सरप्राइज हो, बहू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है चश्मे बदूर। ठहरो जरा, ये तुम्हारे लिए। नहीं बिल्कुल, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो नहीं नहीं, रख लो बेटा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। थैंक यू। अवैस मियां, बहू को थोड़ा आराम करने दो, थक गई होगी। मैं मुलाजिम को कहती हूँ वो सामने वाला पोर्शन खोल दे, यहाँ से नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं और कमरा भी बहुत कुशादा है। ठीक है? हाँ? जी जरूर। नजीर, नजीर मेरी बात सुनो। क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। पप्पू का घर कितना खूबसूरत है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं बचपन में ना यहाँ बहुत आया करता था। सामने वो जगह देख रही हो, वो वहां पे पेड़ों के नीचे वहां पे एक ग्राउंड है, वहां मैं खेला करता था। ये खूबसूरत मौसम, ये दिलकश नज़ारे, ये हसीन शाम, तुम, मैं और हमारी खूबसूरत बातें। खूबसूरत बातें तो क्या जोया,
तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती हो। मुझे ना हमेशा बहुत ये फील होता है, तुम हर वक्त मुझसे खिंची खिंची रहती हो। कोई बात है, कोई इशू है, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम, मुझसे तुम डिस्कस कर सकती हो एनी टाइम। हाँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अरे भाई अवैस मियां, कुछ थोड़ा टाइम हमें भी दे दो। जी जी वो अगर ये मेरे साथ खुश नहीं है तो मुझे खुलकर बता दे। ये बेरुखी, ये खामोशी, आखिर मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। इधर खुपो, मैं चाह रही थी जो करीब में मॉल है वहां से कुछ शॉपिंग कर लूं। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन देखना कहीं गुम ना हो जाना। नहीं तो मैं अवैस को क्या जवाब दूंगी, वो तो मीटिंग से वापस आते ही तुम्हें ढूंढने लगेगा। बहुत प्यार करता है ना तुमसे, हर वक्त तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना चाहता है। मुझे तो बस थोड़ी सी चीजें लेनी है, थोड़ी सी शॉपिंग करके वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है, खैर से जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। पप्पू मैं बस आ रही हूँ, आई एम सॉरी मुझे देर हो गई। जोर से लगी, तुम्हारा खून बह रहा है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूं। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल चलो, मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत गहरी चोट आई है। मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मेरा घर बिल्कुल दो कदम पे, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें फर्स्ट एड दे देती हूँ। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें बहुत चोट लगी है, आ जाओ। इन ख्यालों में खोई हुई थी तुम, तुम्हें पता ही नहीं लगा कि तुम कहाँ जा रही हो। जब जिंदगी तुम तला जाए तो तुमका होश ही नहीं रहता। ये क्या है, तुम्हें और भी चोटें लगी हुई हैं, दिखाओ जरा। नहीं कुछ नहीं है, ठीक हूँ मैं, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे चेहरे की असियत बता रही है कि तुम्हारे जिस्म में नहीं बल्कि दिल में भी बहुत गहरी चोटें लगी हैं। दिखाओ मुझे। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है, ठीक हूँ मैं, सच में। दिल के जख्म दिल की बातें शेयर करने से ही भरते हैं। By the way, I am psychiatrist and I am a doctor. तुम easily मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। Look around, there's nobody here. सब बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। यार वो गुस्से का बड़ा तेज है, छोटी छोटी बातों पर टफ कंट्रोल हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कुछ, उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। दिस इज फिजिकल टॉर्चर, सिर्फ वो गुस्से का तेज नहीं है, ही इज मेंटली सिक। उसका अपने गुस्से पर काबू ही नहीं है,
पल में मेरी रूह को छलनी करता है, अगले ही पल मोहब्बत से मरण पट्टी करता है। मुझसे मोहब्बत करता है, बिल्कुल जान छिड़कता है, तने उसे क्या हो जाता है? एक पल में जान छिड़कता है और अगले ही पल जान लेने की बात करता है। He's a psycho case. He needs a proper treatment. उसका प्यार प्यार नहीं है, एक अज़ियत है, ट्रॉमा है। उसकी दी हुई सारी आसाइशें एक तरफ, उसकी दी हुई ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत, उनका तो हिसाब ही नहीं है यार। Relax, relax. Please, just feel free to share everything with me, okay? तुम उसके साथ क्यों जिंदगी गुजार रही हो इस तरह? अपने पेरेंट्स को या उसके पेरेंट्स को बता क्यों नहीं देती कि वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करता है? Listen, वो तुम्हारे लायक नहीं है. He doesn't deserve you. I love him. उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ. और मुझे सिर्फ एक ही उम्मीद है कि शायद मैं उसे बदल सकूं। उसकी दो पल की मोहब्बत भी मुझे यह एतबार दिलाती है कि वो बदल सकता है, वो बदल जाएगा मेरे लिए। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं कि वो बदल जाए, वो सिर्फ मेरा रहे। तुम दुआ करो। इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि तुम्हारी जितनी भी एफर्ट्स हैं, जितनी भी कोशिश है, वो रायवन आ जाए। बट लिसन, जस्ट थिंक फॉर वंस, इतनी कुछ हो जाने के बाद भी अगर वो ना बदला तो देन यू हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप। इनका फोन आ रहा है, मुझे लगता है मुझे देने आ गया। अच्छा, मैं हाँ, एक सेकेंड रुको, रिलैक्स, प्लीज काम डाउन। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट हिम। मैं तुम्हारे हस्बैंड की काउंसलिंग करूंगी। नहीं, प्लीज। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि ये तुम्हारे मेरे दरमियान रहेगा, तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। लिसन, आई एम अ डॉक्टर, मुझे पता है ऐसे केसेस को कैसे डील करते हैं। मैं नहीं कर सकती उसे ये पता। लिसन, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। जुल्म सहने से बेहतर है कि उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसको बताओ कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, वार्न करो उसे। आई एम विद यू। चले चलो, पर मेरे आ जाओ। आराम से। ठीक हूँ मैं, ठीक। तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं खुद को बदलूं, खुद को तुम्हारे लिए बदलूं। मैं गुस्से का तेज हूं, मैं पागल गुंडा सर फिरा हूं, मैं मुझे बदलने के मशवरे दे रहे हैं। हाँ तो तुम्हें समझा रहे हैं वो। इतना नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है उनकी बातों को। तुम इतना भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे मेरे लिए जान छिड़कने के दावे करते हो। मैं खुद को किसी के लिए नहीं बदल सकता। मेरे लिए भी नहीं। नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरी कहीं और शादी कर देंगे तो मैं ये बात समझ में नहीं आ रही। तो तुम क्या
इनकी मर्जी से शादी कर लोगी? हाँ शादी मैं अपनी पसंद से करना चाहती हूँ, पर तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे, तुम्हें एहसास नहीं है मेरा। एहसास है मुझे, है एहसास। रोशन मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा और मुझसे? Of course I love you, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, पर तुम ये नहीं समझ रहे कि माँ बाप की इज्जत खराब करके जो उनकी इज्जतों को रोन के खुश रहना चाहते वो कभी खुश नहीं रहते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम ऐसा करो अपने पेरेंट्स की इज्जत रखो, तुम्हें ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त आज हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। रोशन लिसन टू मी, रोशन सुनो, मेरी जिंदगी से सोया का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। नहीं रोशन मेरी बात सुनो, रोशन निदा की जगह अगर आज मैं होती तो ये सारी तकलीफें, ये सारी अज़ियतें मेरा मुकद्दर बन जाती। ये है वो शख्स जिसके जाने के गम में मैंने खुद पर जिंदगी की तमाम खुशियां बेमायने कर दी, इस जैसे शख्स के ना मिलने का सोग मना बनाकर मैंने उवैस की मोहब्बत रद्द कर दी। उवैस की बेलौस मोहब्बत, उनका खुलूस मैंने सब दुत्कार दिया। भाई क्या बात है, ये चांद आज इतना मध्यम क्यों दिखाई दे रहा है? उदास क्यों हो? अच्छा समझी, अवैस की याद आ रही है। हाँ भाई अवैस है इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला बच्चा है, हर एक का दिल लगाए रखता है, एक रौनक सी लगा के रखता है। मेरे बच्चा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। अवैस कुछ परेशान सा है, शायद उसने तुमसे अपने माजी के बारे में कुछ बात की है। बस तब से ही फिक्रमंद है कि शायद इसी वजह से तुम उससे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती हो। अवैस ऐसा नहीं है मेरी जान, वो तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता। बस तुम उसकी तरफ से फिक्रमंद मत हो, वो हमेशा सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखेगा। ठीक है, खुश रहो। क्यों आयो? जाओ। सोया मुझे तुमसे बात कर। मुझे नहीं करनी, जाओ। आज मैं नहीं जाऊंगा सोया, उस दिन तो चला गया था। जोया प्लीज मैं तुमसे बात करनी है। उस दिन क्यों गए थे? गुस्सा आ गया था सोया। तुम तो हमेशा गुस्से में रहते हो, पता है क्यों?
क्योंकि मोहब्बत तुम्हारी फितरत में नहीं है। ये तुम कह रही हो जोया? मैं वही हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता था जोया, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता था। दे सकते थे तो क्यों नहीं दी जान मेरे लिए? जोया तुम नहीं जानती मैं तुम्हें नहीं बुला पाया, और मुझे शायद तुम मुझे भी नहीं बुला पाई हो क्या? लेकिन मुझे तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक गॉड मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। अब मैं तुम्हें याद करके अपनी खुशियां बर्बाद नहीं करूंगी। वैसे तुम्हें उस शख्स से शादी करके क्या मिला? लुक एट मी, हैंडसम तो मैं भी हूं, मेरे पास जितना पैसा है ना, यू हैव नो आइडिया। किस बात पे इतना इतरा रही हो तुम? कैसे उसने खुश रखा हुआ है तुम्हें? टेल मी। जो उसमें है वो ना पहले तुम में था और ना ही कभी हो सकता। व्हाट रबिश, क्या उसके पास? उसके कॉल और फिल्म में तजाद नहीं है। उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसके दिल में सिर्फ मेरे लिए चाहत ही चाहत है। सबसे बढ़कर वो इज्जत करता है मेरी। जोया, अच्छा सुनो, मैं बदलूंगा ना खुद को। अच्छा तुम छोड़ो उसको, हम ना नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। जोया देखो, मैं तुम्हें अब तक नहीं भुला पाया। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं पछता रही। तुम्हारी बीवी से मिलकर मुझे पता चला कि तुम किस किस्म के इंसान हो, बल्कि तुम इंसान नहीं हो, तुम ज़हनी मरीज हो। You need a psychiatrist, you need help, okay? मैं पागल हूँ? हाँ तुम हो। मैं पागल हूँ? तुम्हारा मतलब है मैं पागल हूँ, ज़हनी मरीज हूँ? मैं तुम्हें अभी ना ना। तुम जानती नहीं हो मैं वो पहली वाली जोया नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे रोती थी, जो तुम जैसे पत्थर दिल इंसान से शादी करने के लिए तैयार थी। मैं अब मिसेस ओवैस हूँ। उस बंदे का सिर्फ साथ नहीं है मेरे साथ, बल्कि पूरा उसका वजूद मुझ में शामिल है। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना तुमने? और रास्ता क्या तुमने अगर मेरे बारे में सोचा भी, तो तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। You got it? ज्यादतियों के बावजूद इनकी मोहब्बत वैसी की वैसी है। इनकी मोहब्बत ना ही मशरूत है और ना ही इनकी मोहब्बत में कोई खोट।
क्या बात है यार जोए, पर दिल की बात तो मुझसे कहती क्यों नहीं? सारी दुनिया की बात तुम जान लेती हो, मुझसे ऐसे खिंची खिंची ऐसे चुप चुप क्यों रहती हो मेरे साथ? क्यों? शायद मैं ऐसी ही हूं। नहीं, तुम ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं हो। अगर तुम ऐसी होती तो मेरी पप्पो के साथ तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती कैसे होती? हाँ, पता है, रिश्ते बोझ नहीं होते, तोहफे होते हैं, इनाम होते हैं। देखो, honestly, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, मुझे छोड़ना ही चाहती हो, तो बता दो। ओवैस, क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो? हाँ, सो के मैं तो तुम्हारे लिए तो कह रहा था, तुम्हारा कंफर्ट जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Why are you crying? आज आप कुछ मत बोलिए, आज मैं बोलना चाहती हूँ। ये सारी खामोशियों के पीछे बहुत शोर था, मेरी पिछली मोहब्बत का। मैं एक ऐसे रिश्ते के मलाल में थी जो कभी मेरा नहीं हो सकता। और मैं एक मुश्किल इंसान था, उसको खो के मैं बहुत दुख में थी। मुझे लगता था कि शायद वो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। और उस वजह से मैं अपनी जिंदगी में तमाम खुशियां खो रही थी। आपके सामने मैंने जो भी आपके साथ किया, बहुत शर्मिंदा हूं। बस इतनी सी बात, माफी तो बहुत छोटी है इस बात के लिए, क्योंकि जो कुछ मैंने आपके साथ किया उसमें तो माफी भी नहीं बनती। आप बेशक मुझे जितनी बड़ी चाहे सजा देते, मगर खुद से दूर करने की सजा मत दीजिएगा प्लीज। देखो सोया, कभी कभी ना सिर्फ एक सॉरी ही सारे मसलों का हल होता है। अगर तुम मुझसे ये सब ना भी कहती ना, तब भी मैं तुम्हारे दिल की बात जान लेता। सारे बिफोर सबका एक पास्ट होता है, मेरा भी था। मैंने दिल खोल कर, साफ दिल के साथ उसे बुलाकर तुम्हारा हाथ थाम लिया। तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। I'm sorry. सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। I love you. या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे इतना मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला साथी अता किया। इंसान वाकई कभी ये नहीं जान सकता कि उसके रब की रजा में ही उसके लिए अबदी खुशियां छुपी हैं, और इसी पर उसे राजी रहना चाहिए।